2011 में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी ब्लैक मिरर। इसमें दिखाया गया था कि कैसे टेक्नोलॉजीज कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं। पर आने वाले कुछ ही समय में टेक्नोलॉजीज इससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है और हर बार की तरह से कुछ नुकसान और कुछ फायदे होने वाले हैं। जैसे 20 साल पहले टेक्नोलॉजीज हमारी जीवन का अहम हिस्सा नहीं थी, पर आज इसके बगैर एक दिन भी जीना कठिन है, वैसे ही इस वीडियो में बताई गई टेक्नोलॉजीज आने वाले कुछ ही सालों में हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। इनमें से कई चीजें पूरी तरीके से तैयार हैं और कई चीजों पर अभी सुधार बाकी है। इसमें पहले नंबर पे है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। ये सुनने में कुछ इलॉन मस्क के न्यूरल लिंक की तरह लगता है, पर यह एकदम अलग है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसमें इंसान के नर्वस सिस्टम मतलब सारे न्यूरॉन्स को एक सिलिकॉन चिप में कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। इस प्रोजेक्ट को अभी लीड कर रहे हैं एलायन नोगारेट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के एक प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि न्यूरॉन्स अभी तक किसी ब्लैक बॉक्स जैसा था जिसे खोलने में वे सफल हो चुके हैं। पर दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है 1958 का और इसको इन्वेंट किया था फ्रैंक रोजनवाल्ट ने। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को बताया था। रिसर्चर्स का मानना है कि वह इसका यूज हार्ट फेल और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को ठीक करने में करेंगे, क्योंकि इन बीमारियों में हमारे ऑर्गन्स का लिंक हमारे न्यूरॉन्स से कट जाता है, जिसे यह चिप इम्प्लांट रिकनेक्ट करेगा। दोस्तों, इसके फायदे तो बहुत हैं, पर अगर ये चिप किसी गलत हाथों में चला जाए तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर इस चिप का सक्सेस रेट 100% हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में शायद कोई हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से नहीं मरेगा। ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जानवर का ऑर्गन इंसान के शरीर में लगाया जाता है। हर साल भारत में लगभग 5 लाख लोग ऑर्गन्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण मारे जाते हैं, पर ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन तकनीक इस समस्या का 100% समाधान आने वाले कुछ ही सालों में कर देगा। हाल ही में इस तकनीक का प्रयोग अमेरिका के 2 पेशेंट्स पे किया गया जहाँ उनके शरीर में सुअर का दिल लगाया गया और ये दोनों ही ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, पर इनमें से एक पेशेंट कुछ ही महीनों में मर गया, पर दूसरा पेशेंट अभी भी जिंदा है और उसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लाउस दैट कैन हियर, MIT के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो कि आवाजों को सुन और पहचान सकता है। वे इसका उपयोग अंधे लोगों के लिए करेंगे ताकि कोई भी परेशानी होने पर यह कपड़ा उन्हें बता सके। अभी कपड़े में यूज होने वाला मटेरियल मोटा है और पहनने में अनकंफर्टेबल है, जिसकी वजह से अभी इसको बाजार में नहीं उतारा जा सकता, पर कुछ सालों में यह बाजार में आने के लिए पूरा तैयार होगा। आर्टिफिशियल आईज, अभी तक आईज इम्प्लांट तभी पॉसिबल था जब कोई डोनर आईज डोनेट करे, जिसकी वजह से लाखों लोग कभी देख ही नहीं पाते थे। पर बेल्जियन साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल आई बनाया है जो इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन कर देगा। 2021 में इसराइली सर्जन्स ने वर्ल्ड की पहली ऐसी सर्जरी की जहां 78 ईयर ओल्ड मैन की आंखों में आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाया गया। उसके बाद जब इसके बैंडेजेस उतारे गए तो वह तुरंत अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचान गया और उसे सब कुछ दिखने लगा। हाइड्रोजन प्लेन्स, कमर्शियल फ्लाइट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका कार्बन एमिशन, मतलब इसका फ्यूल बड़ी मात्रा में कार्बन रिलीज करता है, जिसको देखते हुए UK में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है फ्लाई जीरो। इसमें ऐसे हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन्स बन रहे हैं जो जीरो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे। इसमें एक ऐसा प्लेन बनाया जाएगा जो पूरा लिक्विड हाइड्रोजन से बना होगा और इसमें एक बार में 279 पैसेंजर्स पूरी दुनिया घूम सकेंगे विदाउट एनी स्टॉपेज। तो आने वाले समय में सारे प्लेन्स आउटडेटेड हो जाएंगे और उनकी जगह ले लेंगे हाइड्रोजन प्लेन्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।